નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, હાઉ આર યુ? ટુડે વી આર ગોઈંગ ટુ લર્ન અબાઉટ લેટર અ, ક્ષ, ત્ર ઓર જ્ઞ. આજ હમ યે ચાર લેટર સીખેંગે. તો પહેલા લેટર કોન સા હૈ દેખો. હ, પહેલા લેટર હે હ. અબ બતાઓ હ સે કોન સા શબ્દ બનતા હૈ? વેરી ગુડ, હ સે હલ. હ સે કોન સા વર્ડ બનતા હૈ? હ સે હલ. અબ હમ હ કેસે લિખના હૈ વો સીખેંગે. પહેલે ક્યા કરના હૈ? પહેલે સ્ટેન્ડિંગ લાઇન કરની હૈ. થોડી સી સ્ટેન્ડિંગ લાઇન કરકે સ્લીપિંગ લાઇન કરની હૈ. ફિર સ્ટેન્ડિંગ લાઇન, સ્લીપિંગ લાઇન ઓર હાફ સર્કલ, હાફ રાઉન્ડ જૈસે કરના હૈ આપકો. ફિર स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, हाफ सर्कल और नीचे से फिर से स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, हाफ सर्कल ऐसा किया. फिर नीचे से उसको ऐसे करना है. ओके, फिर ऐसे किया. फिर ऊपर स्लीपिंग लाइन बन गया. वो फिर से ऐसे आप ड करोगे. ड तो सीखा ही, ऐसे आधा ड करके फिर नीचे से ऐसे कर देना है और ऊपर स्लीपिंग लाइन कर देनी है. बन गया ह. देखो, ड किया फिर नीचे से ऐसे और फिर ऊपर स्लीपिंग लाइन. बन गया ह. तो आपकी बुक में जो ब्लैंक भी है वो सब में ये ह आपको राइट कर लेना है. फिर देखो नीचे डबल लाइन में ह दिया है, वो सब में आपको कलर करना है. और बाजू में देखो ह का अनिल का चित्र दिया है, उसमें भी आपको कलर करना है. फिर देखो नीचे वर्ड दिए हैं, उसमें आपको ह ढूंढ के उसके नीचे लाइन कर देनी है. तो उसमें पहला है ह ब न. तो ये वर्ड है वो ह से ही स्टार्ट होता है. ह से ह ब न, उसमें देखो ह पहले ही है. तो हम उसके नीचे लाइन कर देंगे ह से ह ब न. फिर शहर, शहर वर्ड लिखा है, उसमें देखो ह कहाँ पे है, दूसरा लेटर है वो ह है. तो उसके नीचे लाइन करेंगे शहर. फिर बाहर, कौन सा शब्द दिया है, बाहर. तो उसमें देखो दूसरा लेटर है वो ह है. तो उसके नीचे लाइन करेंगे. फिर कटहल, क्या लिखा है, कटहल. तो उसमें देखो तीसरा लेटर है वो ह है. तो उसके नीचे लाइन करेंगे. फिर लास्ट में क्या लिखा है, सरहद, शरहद. तो इसमें देखो कौन सा लेटर ह है बताओ. वेरी गुड, तीसरा लेटर है वो ह है. तो उसके नीचे लाइन करेंगे शरहद. तो यहाँ पे ह है, वो सब में आपको लाइन कर देनी है. फिर देखो ह के एक्स्ट्रा वर्ड दिए है, उसमें पहला देखो क्या है, हलवाई. ह से हलवाई. ह से हवाई जहाज. ह से हवाई जहाज. फिर ह से हथौड़ा. ह से हथौड़ा. फिर ह से हल. ह से हल. ह से हरा. ह से हरा. फिर ह से हवा. ह से हवा. फिर ह से हनुमान. हनुमान. और फिर ह से हथेली. ह से हथेली. ये सारे एक्स्ट्रा वर्ड है वो आपको फेयर बुक में लिखने हैं. तो यहाँ पे ह कंप्लीट होता है. तो ये ह आपको आपकी बुक में जो ब्लैंक भी है उसमें राइट करना है. फिर डबल लाइन में ह लिखा है उसमें आपको कलर करना है. और फिर ह के नीचे लाइन करनी है. ओके, फिर ह के बाद कौन सा लेटर आता है देखो. ह के बाद आता है क्ष. इसे पढ़ते हैं क्ष. क्ष से कौन सा वर्ड बनता है, क्ष से क्षत्रिय. क्ष से क्षत्रिय. अब हम क्ष कैसे लिखना है वो सीखेंगे. तो पहले थोड़ा सा ऐसे छोटा सा राउंड करना है. फिर ऐसे राउंड करके ऐसे करना है जैसे गुजराती में एक होता है वैसे. फिर ऐसे करके नीचे से राउंड करके ऐसे करना है. फिर स्लीपिंग लाइन करनी है बीच में से थोड़ी सी. फिर ऐसे करके स्टैंडिंग लाइन. फिर से
अक्षर देखो फिर से उच्चारण का एक करके नीचे से ऐसे स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन ऊपर स्लीपिंग लाइन बन गया क्ष। फिर से गुजराती का एक करके नीचे से ऐसे स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन बन गया क्ष। ओके तो ये क्ष आपको टेक्स्ट बुक में फिल अप कर लेना है। फिर क्ष के डबल लाइन में देखो क्ष लिखा है आपकी बुक में, उसमें आपको कलर करना है। और देखो क्षत्रिय का चित्र भी दिया है तो उसमें भी आपको कलर करना है। फिर देखो वर्ड दिए हैं उसमें आपको क्ष के नीचे रेखा खींचनी है तो उसमें पहला क्या है देखो क्ष ण, पहला लेटर है क्ष ण, उसमें देखो पहला एक क्ष है तो उसके नीचे लाइन करेंगे। फिर क्षमा क्या लिखा है क्षमा, तो उसमें देखो पहला लेटर है वो क्ष है तो उसके नीचे लाइन करेंगे। फिर पक्ष, तो उसमें देखो दूसरा लेटर क्ष है तो उसके नीचे लाइन कर देंगे। फिर रक्षक क्या लिखा है रक्षक, तो उसमें दूसरा लेटर है वो क्ष है उसके नीचे लाइन करेंगे। फिर अक्षर अक्ष, तो उसमें दूसरा लेटर क्ष है तो उसके नीचे लाइन कर देंगे। तो यहाँ पे क्ष कंप्लीट होता है। ये आपको टेक्स्ट बुक में फिल अप कर लेना है, फिर क्ष में कलर करना है और यहाँ पे क्ष के नीचे लाइन कर देनी है। फिर क्ष के बाद कौन सा लेटर आता है त्र, क्ष के बाद त्र आता है। अब हम त्र राइट करना सीखेंगे। पर बताओ त्र से कौन सा वर्ड बनता है, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल। अब हम त्र यहाँ पे भी दूसरा लेटर गुना है तो उसके नीचे
लाइन करेंगे, फिर अग्ना, तो यहाँ पे भी दूसरा लेटर ग्ना है, तो उसके नीचे लाइन करेंगे, और फिर विग्ना, तो यहाँ पे भी दूसरा लेटर है वो ग्ना है, तो उसके नीचे लाइन कर देंगे। ओके, तो ग्ना यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। तो ग्ना आपको ये टेक्स्ट बुक में फिल अप कर लेना है, फिर डबल लाइन में कलर करना है, और फिर ग्ना के नीचे लाइन कर देनी है। ओके, तो इस वीडियो में हमने ह, श, त्र और ग्ना चार लेटर सीखे। ह से हर, क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल और ग्ना से ज्ञानी। ओके, तो ये आपको टेक्स्ट बुक में फिल अप कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे हमारी वर्णमाला कंप्लीट होती है। अ से अ तक सीखा हमने, और यहाँ पे क से ज्ञान तक सीखा। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।